उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने शनिवार को श्रम विभाग के साथ मिलकर गरुड़ बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान बाजार क्षेत्र में बच्चे बाल श्रम मजदूरी करते पाए गए। वहीं उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने कहा कि बाल मजदूरी को रोकने के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र में छापेमारी की गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुरेश चंद्र ने बताया कि बाजार क्षेत्र में मजदूरी करते हुए एक बाल श्रमिक, चार किशोर श्रमिक पाए गए। बताया कि बाल श्रम कराने वाले दुकान स्वामियों को नोटिस भेजा जाएगा। बाल कल्याण समिति के सदस्य कैलाश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग की अगुवाई में चल रहे अभियान के तहत बाल मजदूरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बागेश्वर से अखिल आजाद जोशी की रिपोर्ट। साप्ताहिक छापेमारी अभियान के तहत तीन किशोर श्रमिक और एक बाल श्रमिक पाया गया है जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, माइनिंग क्षेत्र में भी नाबालिग बच्चों का? माइनिंग क्षेत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है सर, जिले के अंदर तो आता ही है। आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कवरेज कर